क्या मनाली में आए हुए हैं तो क्या सर ने क्या केक दे दिया हमारे, उसका नाम बताया गजा का केक। उसका सेप तो देखो ना, ऊपर से कहीं मलाई लगी है कि क्या समझ। और ये जो नाम बताया सर ने गाजर का केक, गाजर का हम जो गाजर का हलवा अक्सर खाते हैं, गाजर का केक भी बन चुका है। हमारे पहली बार सुनने का मौका और देखने का मौका लगेगा, बस खाने का भी मौका लगेगा। मेरे को तो वही केक जैसी शक्ल लग रही है, हालांकि ये तो केक ही हो, खुले बनते हैं अभी और सिखावा भी है, ऊपर से मलाई भी है। मले की परत शुरू करना है फिर से, खा के पता चलेगा उसको किसान किसान। अच्छा इसके अंदर मैं एक चीज़ देख लिया हूँ, बहुत सारे इसमें मेवे मिस्तान डले भी देख रहे ना, मेवे मिस्तान जो है। हाँ ये बस ये बोले खुशबू भी कुछ अलग टाइप की आएगी, खुशबू तो वही मुझे जो है कि वही अलग ही है, एक जैसे जो खुशबू होती है अक्सर जो अपन खाते थोड़े अलग हटके आई, एक खुशबू आती है पर इसमें अलग हटके आई। तो उसमें चॉकलेट नहीं उड़ा देते हैं कभी। हाँ ये कुछ अलग हटके बना, अलग हटके बना, इसमें जो है कि मल्ली की परत भी जमेगी। अब फिर इतनी दूर आए हैं तो इसका भी अनुभव लिया जाए कि जो गाजर का केक आखिर क्या है, खा के देखा जाए क्या अनुभव देखा है। ऐसा ही कहीं अरे शुरू करें, करो शुरू करते हैं, चलो थोड़ा काम रह वो तो अलग स्वाद जा रहा है, उसका भीखा बनते हैं बढ़िया, बहुत बढ़िया ना, तो बढ़िया रहा है, इसमें कोई दोहरा ही नहीं, पर स्वाद तो अलग हटके इसका है। पीला निवाला खाते से दिमाग में चीज़ यही है कि हमारे घर के अंदर हमारी जो पुरानी दादी नानी है वो रोटी को पीस के उसमें शक्कर मिला के खोपरा मिला के जो बनाया करती थी उस जैसा लग रहा है। गाजर का स्वाद तो आ रहा है, गाजर के अलावा और दो तीन चीज़ों का आ रहा है, पहचानने से बहुत देर हो रही है। कबाब अच्छा खासा है क्या, बहुत दिनों बाद बाहर की चीज़ खाने का मौका मिला है। इसमें क्रीम क्रीम डालें जो पिघल जाए, ये बात ठीक है, ये बोले चार साम लगा दी इसने, तो अंदर तक पूरी है जब तक ऊपर ये चीज़ नहीं, इसको जान डाली है, पर बहुत से जो मली के और जो केक की जो चीज़ें आती है खाने के लिए छुट्टी में लोग अक्सर लोग शायद पसंद आई नहीं है, पर उनको अच्छा लग गया। अरे बेहतरीन लाजवाब, नीचे से सिखावा भी अच्छा है, इसका तला बहुत मजबूत है, पीछे से भी अच्छा सिखावा, आगे से कटा हुआ है, ऊपर से तो फिर जान लेना भाई, ऊपर से इतने तो बेहतरीन उसमें मलाई लगी हुई है, मिला के रख देगा सबसे ऊपर से। मलाई को फाड़ के, दूध को फाड़ के मलाई बना के ऊपर से शक्कर बहुत डाली है उससे, क्या मिठास आ रही है। हाँ तो उसको दोनों को नीचे का चीज, नीचे की परत तो पूरी फीकी फीकी है, मैं वो सोच रहा था कि नीचे की जो परत है फीकी दी है, ऊपर ही मिठी दी है, तो ताल में मिला दिया हमने, अगर आपको दोनों ताल में बहुत ठीक बैठा होती है, आप जो है कि इस तरह से खाओगे नहीं उसमें हल्का सा लपेट के। चाहे तो अपन घर में बना सकते हैं, पर भी ब्रेड बना सकते हैं उसको तो के। मेरे तो दिमाग में सबसे पहले ये चीज़ यही है कि हमारे घर की पुरानी बुजुर्ग महिलाएं रोटी बची हुई रोटी को पीस के तो उसको चूर के उसमें शक्कर मिला तो के मिला के जो बनाती थी लड्डू बनाने के वही स्वाद लग गया, बस उसको इसमें केक में तब्दील कर दो, ऊपर से अपना भैंस का दूध फाड़ के मलाई बना दो, मलाई डाल दो ऊपर से, ये भी सकता है इसको शक्कर का बनाना है, केक हो जाएगा। कौन सी मलाई वाला, रोटी मलाई, रोटी मलाई वाला केक हो सकता है। मेरी मम्मी का खमन बनाती है तो क्या वो बेसन का क्या वो कोई सा कुकर के अंदर सांचे में लेके उसको लेके अंदर पका लेती है, खमन बन जाता है वो, खमन की शक्ल क्या बिल्कुल केसरी की दिख रही है मेरे को, बोला हाँ ये हो सकता है, इसकी विधि भी ऐसी होगी कि ऐसे कुछ लग रहा है मेरे को, तो इसको ऐसे पका सकते हैं खमन की तरह। मुझे हैरानी इस बात पे है कि जो चीज़ें हम सिर्फ खाते थे कि गाजर का हलवा, वो गाजर को ज़्यादातर चावल के अंदर मिला के चावल में काट काट ये होता था, गाजर कच्चे भी खाया था, गाजर अच्छी लगती है मेरे को, गाजर खाया था ज़्यादातर, तो ये है कि गाजर का हलवा
ठंडे इलाकों में, तो सर्दी के इलाकों में खास अक्सर सर्दी के मौसम में गजर का हलवा खाते हैं, और हम सोचते शायद इसीलिए पैदा हुई है, पर हमें नहीं पता था कि इसका ये इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बंदा पहली बार देख रहे हैं। क्या है, गाय चलती है बाजार में, तो मेरी दादी कहती है जिसने पूरे सीजन तक साल भर तक जब तक चले खाया जब तक खाई जिसने, वो क्या पूरे साल भर बीमार नहीं पड़ा, इतनी पावरफुल रहती ऐसा लग रहा है हमें उसे खाया। ज़्यादातर अक्सर सर्दी के दिनों में आती है, तो सर्दी का मौसम रहता 2 महीने का, अब 2 महीने में जितनी खा लो खा लो, खाली गर्म तो होती है, खाने वाले रोज भी खाते, एक दिन भी छोड़ते हैं। वो शायद मुझे लग रहा है कि हम जिस इलाके में बैठे हैं गर्मी के मौसम में टोपे लगने में जरकिने पहने में और ठंड की वजह से हो सकता है गाजर इसलिए चलन पे हो, यहाँ पर मेरा ऐसा अनुभव जा रही है कि हो सकता है गाजर इसलिए चलन पे वो चीज़ बन गई हो, बाजार में भी देखने का मौका लगा होगा, बिक रहा था गाजर का, क्योंकि हैरानी तब हुई जब चीज़ सामने आई, बताया बोले गाजर का केक, मजाक समझा था ये देखने पर, खाने को मालूम पड़े अपने को गाजर का केक भी बन सकता है। अच्छा, ऊपर का हिस्सा जो है उन्होंने ये सेका, ये सेका और ये हिस्सा भी सेका हुआ, उसके ऊपर मलाई डाली है, सही गाजर ही नहीं दूसरी चीज़ों का जो स्वाद आ रहा है वो बहुत लाजवाब लग रहा है, वो एक नंबर लग रहा है। मैं तुम्हारी बात को काटूंगा, ये ऊपर मलाई के नीचे कुछ डला हुआ दिख रहा है मुझे, कुछ अच्छा तरल पदार्थ हो गाजर लग रही है, कुछ लग रही है। अरे वो सर बोलते हैं ना यार, वो लहराती हुई चीज़ आती है, अरे क्या नाम बता रहा था, जेली थोड़ी हुई वो जेली लग रही है, हो सकता है जेली है कि वो है गुलकंद, तो नहीं गुलकंद नहीं होगा गुलकंद, या पहली बार ऐसा भूख का खाना, पर काजू पहचान नहीं पाना, बादाम पहचान नहीं पाना, ये डला क्या है ड्राई फ्रूट में। एक से एक तेल डाली उस पर, का स्वाद के चार चांद लग गए हैं सब मिला के, सबका मिश्रण है नहीं लाजवाब स्वाद दे रही। अब बादाम में बादाम भी सीखी हुई है, वो तो बहुत खर्चा करा है यार बनाने में, बहुत मेहनत लगी हुई है, ये विधि तो नहीं हो पाएगी यार, क्योंकि इसमें सब चीज़ें बहुत सारी चीज़ें डाली हैं, बहुत सारी सामग्री इस्तेमाल करी है, बहुत सारे आइटम ने इसको लाजवाब चीज़ बनी। अच्छा, खाने में नरम भी है, जिन खासकर हमारे बाबू भी के दांत नहीं है, तो उन जैसे लोगों के लिए तो बहुत बेहतरीन चीज़ है, सही मजे आसान से, हाँ वो पेट भरा जाएगा, हाँ इतनी भारी चीज़ है कि मतलब दो खा लेंगे तो पेट भर जाएगा होगा, तो रात का खाना खत्म, आज का गोल अपना रात का खाना खत्म हो जाएगा, सही इतनी भारी भरकम चीज़ खा दी गया, रात का खाना गुल मेरा था मैं नहीं खाऊंगा, मैं उस समय साथ साथ में अभी सर्दी का मौसम चल रहा है, सर्दी के सारे ही सामग्री डाल लीजिए इसमें, गाजर ले लो, बादाम ले लो, मलाई ले लो, खोपरा ले, खोपरा नहीं है कुछ और चीज़ें, मक्खन टाइप दिख रहा है, मक्खन ले लो, ये सब जबरदस्ती चीज़ है, वाकई गाजर का केक बनाया चीज़ है। बहुत भारी भरकम केक की यार, ये गेट तो भुलाया नहीं भुलाया, ऐसा लग रहा है मेरे को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी बेहतरीन चीज़ खिलाने के लिए, बहुत लाजवाब चीज़ है, बाकी में भी मज़ा आया बनाया उसको, मतलब सलाम है यार, क्या विधि इसने इस्तेमाल करी, क्या दिमाग लगाया, गाजर का केक बना दिया यार। सोचते रह जाए इंसान, सोचते रह जाए, बना के रख दिया उन्होंने, पेश कर दिया अपना मेरा खाओ, ये जो हलवे लोग हैं सलाम है यार, इन्होंने दिमाग लगा के एक एक चीज, चीज़ें वही हैं सदियों से बाप दादा नस्लें खाते वाली हैं, लेकिन चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करा पिछलों ने बेचारों ने इस तरह से, जो अपन इस्तेमाल कर पाए बच्चे लगा वो पंडे हाँ। एक नंबर चीज़ है, वाकई से बहुत लाजवाब चीज़ है, मज़ा आ गया, इसमें दोबारा घर पे मनाने की कोशिश करूँगा, कोशिश तो बिल्कुल करी जाएगी, इसमें कोई दोहरा ही नहीं, और इसकी सबसे बड़ी खासियत लगी है ऊपर का हिस्सा रखा है उन्होंने मीठा, ज़्यादा मीठा, और नीचे का फीका, दोनों का तालमेल मिला दिया, तालमेल मिला के जब कोई भी खाएगा नहीं फिर मज़े आएंगे, फिर चीज़ है मना नहीं कर पाएगा चीज़ को।